तो लेट्स से ये फोर डाइसेस हैं, इनको ये D1 बना देते। लेट्स से ये D1 डाइस हो गया, D1 डाइस हो गया, ये D2 हो गया, D3 एंड D4 ऐसे। तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम विच एटलीस्ट वन डाइस शोज 5। कम से कम एक डाइस पे 5 शो करें। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बताओ। तो आप कहोगे ये 6 डाइसेस हैं, इन पे कितने चॉइसेस हैं, 6 में से कोई भी नंबर आ जाए। इस पे भी 6 चॉइसेस हैं, इस पे 6 और इस पे भी 6। तो ये 6 to the power 4 चॉइस हो गया, 6 to power 4 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6 to the power 4, समझा। अब यहाँ पे वो केसेस देख रहे थे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच नो डाइस शोज द नंबर 5। नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच 5 डू नॉट अपियर। तो मतलब ऐसे आउटकम्स देख लेते हैं जिनमें 5 कहीं दिखे ही ना। तो 5 नहीं देखे तो हम एक काम करते हैं, 5 हटा देते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे 4 ही 5 ही चॉइस होंगी। ये 5 को हटा देते हैं तो कौन कौन सी चॉइस होगी, 1 2 3 4 एंड 6, इनमें से ही कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितनी चॉइस होंगी, 5, सेम वे यहाँ पे 5, ये 5, ये यहाँ पे, मतलब 5 to power 4। तो 5 to power 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें 5 कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 to the power 4 minus 5 to power 4। मतलब ये ऐसे इतने केसेस होंगे जिनमें 5 कम से कम एक बार दिख रहा हो, कम से कम एक डाइस पे दिख रहा होगा, है ना। 2 डाइस पे भी दिख सकता है, 3 पे भी दिख सकता है, 4ों पे भी 5 दिख सकता है। मतलब इसमें एक डाइस पे दिखने वाला 5 केस काउंट हो गया, 2 पे 3 पे और 4ों पे भी दिखने वाला केस काउंट हो गया। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या ये समझ आया, इज दिस क्लियर टू यू। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर नंबर्स नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन विच आर स्मॉलर देन 2 into 10 to the power 8। टू इंटू 10 to the power 8 एंड विच कैन बी रिटन बाय द डिजिट्स 1 and 2 ओनली। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर यही है, 766 इज द आंसर। आंसर इज 766। देखो कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2 2 इंटू 10 टू पावर 8।
इसका मतलब है कि ये हो गया 2000 कितने जीरोस आ जाएंगे, 8 जीरोस आ जाएंगे है ना। चलो मैं चार चार का बना देता हूँ इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये 9 डिजिट का नंबर है, तो 9 डिजिट से पहले कितने होंगे, 8 डिजिट पहले 1 डिजिट के नंबर होंगे, 1 डिजिट के कितने बनेंगे, 2 डिजिट के कितने बनेंगे, 3 डिजिट के कितने बनेंगे, 4 डिजिट के बताओ कितने बनेंगे, ऐसे ही 5 डिजिट के कितने बनेंगे, 6 डिजिट के देख लेते हैं, 6 डिजिट के ऐसे ही 7 डिजिट के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, और एक 8 डिजिट का नंबर जो भी होगा, कितना, 5 6 7 8 है ना, तो 8 डिजिट के हो गए। और 9 डिजिट का जो नंबर होगा वो भी तो आएगा, तो पहले ये देख रहे थे कि 1 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। देखो यहाँ पे दो ही चॉइसेस है, या तो 1 या 2, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस है। अच्छा तो टोटल कितने केसेस हो गए, 2 केसेस आ गए। और 2 डिजिट के कितने होंगे, 2 into 2, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 2 to power 1 हो गया, मतलब 4 चॉइसेस होंगे। यहाँ पे 1 आ जाए या 2 आ जाए तो 2, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। नंबर ऑफ नेचर विच आर स्मॉलर देन दिस विच कैन बी रिटन बाय डिजिट दिस 1 इन 2, तो यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे, मतलब 2 to power 3 चॉइसेस आ गया, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to power 4 चॉइसेस है, यहाँ पे 2 to power 5 चॉइसेस, 2 to power 6 चॉइसेस, 2 to power 7 चॉइस, और यहाँ पे 2 to the power 8 चॉइस, क्योंकि हर एक प्लेस पे 2 चॉइस, या तो 1 आए या 2 आए, है ना, देख लो यहाँ पे। तो ये 8 डिजिट का नंबर हो गया। अच्छा 9 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, 9 डिजिट का भी तो होगा। 9 डिजिट में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, और एक 9 डिजिट का नंबर है। तो 9 डिजिट के नंबर में यदि यहाँ पे 1 आ गया, इस प्लेस पे 1 आ गया जैसे, तो फिर यहाँ पे कितनी कुछ भी रख दो, ये इससे छोटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 9 डिजिट का नंबर है, और ये इस प्लेस पे यदि 1 हो गया तो यहाँ कुछ भी पुट अप कर दो 1 2, तो ये नंबर इससे छोटा ही होने वाला। तो यहाँ पे 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस, इस तरह से हर एक प्लेस पे 2 चॉइस है, मतलब 2 to power 8 केस और बनेंगे ऐसे। लेकिन 9 डिजिट के बाद ये 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर बना दिए, तो अब यहाँ पे यदि 2 आ गया तो फिर क्या कोई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 आया या 2 आया, कुछ भी आया, तो वो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो जो टोटल केसेस बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 + 2² + 2³ डॉट 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 2 to the power 8 and + 2 to power 8, ये आंसर आएगा। अच्छा इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको सॉल्व करते हो, तो ये जो नंबर मिलता है वो है 766। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चा, देखो शार, हाँ सर, यही मिला था ना, ऐसे ही था पूरा। तुम लोगों ने कैसे सोचा इसके बारे में, सेम मेथड और डिफरेंट। सर सेम ही सोचा। सेम ही था, ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाएगा, टाइम जाएगा उसमें। चलो कर लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है, कंसीडर अ नेचुरल नंबर, कंसीडर अ नेचुरल नंबर
नंबर एन इज इक्वल टू 10 to the power 200 माइनस 39 एंड देन कैलकुलेट द सम सम ऑफ द डिजिट्स डिजिट ऑफ एन इन डेसिमल सिस्टम आंसर करें। क्वेश्चन समझ आए? कंसीडर अ नेचुरल नंबर दिस एंड देन कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इन डेसिमल। मतलब कहने का मतलब है कि इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो जो डिजिट्स मिलेंगे उन सबका सम कितना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आएगा। आंसर करो जल्दी से, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो ये इन डेसिमल सिस्टम का मतलब जैसे 10 to the power 2 है, तो इसको ये 100 लिख देंगे, ये डेसिमल सिस्टम, समझे। जैसे यदि मैं कहूँ 10 to the power 3 + 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1002। ये डेसिमल सिस्टम में लिख दिया आपने इसको, समझ आया सर। तो इस तरह से जो ये पावर है, इसको यदि आप एक्सपेंड करोगे तो जो नंबर आएगा उनके डिजिट्स का सम आपको बताना है। क्या प्रॉब्लम क्लियर हुई? हाँ सर, क्लियर हुआ। आंसर करो। आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आया 1789 इज द आंसर। वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, बहुत वैसा है जिस तरह से आप करते आए हो, सिंपल है कि 1000 है ना, ये जीरो, ये 10 to the power 200 है, तो ये कितने जीरोज होंगे इसमें, ध्यान रहे 200 जीरोज होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। अच्छा तो डिजिट कितने होंगे, 201 आएगा, है ना, इस तरह से 201, उसमें से 39 सबट्रैक्ट करना है, 39 जो है वो सबट्रैक्ट करना है, 39 सबट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखा जाएगा, 39 सबट्रैक्ट कर देते, तो ये कितना आएगा, ये 1 आ गया, 0 - 9 1 हो गया, 0 - 4 तो कितना आ जाएगा, 6, और फिर ये 9 9 9 9 ऐसे 9 जाएगा। तो अब यहां से देखो यहां तक ये डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल डिजिट देखो, ऊपर कितने डिजिट थे, 201 डिजिट थे, तो ये टोटल डिजिट हो जाएंगे 200 डिजिट। तो इसमें देखो ये जो 9 मिल रहे हैं, 9 कितने होंगे, क्या 198 हो जाएगा, 198 9s होंगे, 9s होंगे, और 6 कितना होगा, 1 टाइम होगा, यस 1 भी 1 टाइम्स है। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इनका सम चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 9 into 198 + 6 + 1, चेक दिस आउट, क्या ये सही है, और इसका सम करोगे तो ये आता है 1789, ये आंसर आता है। तो आज इतना ही करते हैं बच्चे लोग आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ। I hope you all enjoyed this lecture. Okay.